राजधानी दिल्ली में बुधवार रात हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत साबित हो रही है। तस्वीरें हम आपको दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के E2 की दिखा रहे हैं, जहां पर तेज मूसलाधार बारिश की वजह से DDA की दीवार गिरने से उसमें 6 से 7 गाड़ियां चपेट में आ गई, जो कि देखिए अभी भी मलबे से दबी हुई हैं। राहत की बात ये रही कि जब इन गाड़ियों को खड़ा किया गया था यहाँ पर शाम के वक्त, तब इनमें कोई भी नहीं बैठा था, नहीं तो एक बड़ा हादसा होता। वहीं दीप्ति ज्योति, जो कि E2 ब्लॉक में ही रहती हैं, उन्होंने बताया कि दिन के वक्त अगर ये दीवार गिरती तो यहाँ पर कई बच्चे खेलते भी रहते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो भी अगर चपेट में आ जाते तो एक बड़ी अनहोनी होती। लेकिन राहत की बात ये रही कि एक पेड़ ये गिरा, उसके बाद पूरी की पूरी जो दीवार है वो गिरती है, जिसमें कि यहाँ पर खड़ी हुई 6 से 7 गाड़ियाँ जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई। रोजाना की तरह कार मालिक जो है अपनी गाड़ियों को यहीं पर खड़ा कर कर जाते हैं। उन्हें ये अंदेशा भी नहीं था कि जब वो सुबह के वक्त उठेंगे तो उनकी निगाह ऐसे जाएगी कि उनकी जो कीमती कार है वो इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 6 से 7 गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर इस DDA के द्वारा बनाई गई दीवार के गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राहत की बात ये रही कि इसमें कोई जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि DDA को इसकी सूचना दी गई, उसके बाद भी DDA की तरफ से इस मलबे को हटाने के लिए अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा है। मेरे ख्याल से 6 से 7 गाड़ियाँ डैमेज हुई है। मेरी गाड़ियाँ में जस्ट टच हुआ था एंड फिर मैं सुबह आई और मैं इसको लेकर के गई। यह हादसा करीबन रात के 8:30-9 बजे हुआ है। जब हम लोग आए, बाहर में पूरा वाटर लॉगिंग था, जिसे जहाँ मेरी गाड़ी वहाँ पार्क किया। रात में फिर आया मैसेज कि ऐसे ऐसे पेड़ गिर रहा है और ये जो पीछे आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, रीइन्फोर्समेंट हुई थी एक्चुअली, ये पहले से ये बना हुआ था जब DDA का कंस्ट्रक्शन था, उसके ऊपर में और वेट दे करके उसको थोड़ा ऊंचा किया गया था, तो वो अचानक से कल गिरा है और ये काफ़ी सारी गाड़ियाँ डैमेज हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि मलबा कितना अधिक फैला हुआ है। गाड़ी का सिर्फ बोनट नहीं टूटा है, इसमें इंजन तक डैमेज हो गया है। ये तो अच्छी बात है, सिर्फ गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, दोज आर रिपेरेबल। बट अगर यहाँ पे शाम को होता या कुछ होता ऐसी तरह, जहाँ बच्चे सारा टाइम खेलते रहते हैं, उस समय गाड़ियाँ भी नहीं होती, तो अगर ऐसा कोई एक भी इंसिडेंट हो जाता, देन हु वुड बी द आंसरेबल फॉर दिस? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी क्या DDA की तरफ से कोई आया यहाँ पर, किसी ने भी? मैंने तो अभी तक नहीं देखा। हम सुबह यहाँ सब लोग खड़े थे, यहाँ पे FIR और वो सारी जो प्रोसीजर्स हैं रात में बोल दी गई हैं, बता दी गई हैं, और भी जो भी प्रोसीजर है सब अपने अपने लेवल पे कर रहा है। DDA की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। रोजाना यहाँ पर ऐसी ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं सारी? रोजाना ऐसी ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं एवरी डे, और यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, बैट बॉल भी खेलते हैं, कुछ और भी खेलते हैं जब यहाँ गाड़ियाँ नहीं होती हैं। ये बहुत ही दर्दनाक सीन आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा गिरा है, पूरी की पूरी दीवार ही गिर गई है। अगर यहाँ पे बच्चों को लग जाता, आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ दैट, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। कितना सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि दिनचर्या में वी आर द मिडिल क्लास पीपल, ऑफिस जाना है आना है, शंटिंग हो गया, वॉट शुड वी डू? इज़ इट आवर फॉल्ट? क्या हमने गलत किया DDA के फ्लैट्स में रहने का, या फिर हमने यहाँ पे पार्किंग की, या हमने गलत जगह पे पार्किंग की है? कैन एनीवन कैन गिव आंसर टू अस कि हमें क्या करना चाहिए इस किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से कैसे हम पीसफुली रह सकते हैं?